दर्शकों नमस्कार, आज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल आरएसपी के विभिन्न विभागों के 35 ठेका श्रमिकों को आरपीएल प्रमाण पत्र प्रदान। राउरकेला स्टील प्लांट के 14वें इस्पात सिनर्जी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन और सरस्वती पूजा आनंद उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। अब समाचार विस्तार से। ब्लास्ट फर्नेस 5, सिंटरिंग प्लांट 8 और 3 के ठेका कर्मचारी जिन्होंने आरपीएल प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, उन्हें उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रमाणन के साथ प्रमाणित किया गया। गौरतलब है कि आरपीएल सर्टिफिकेट इंडियन आयरन एंड स्टील सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा जारी किया जाता है। मुख्य महाप्रबंधक आयरन श्री विश्वरंजन पलाई, मुख्य प्रबंधक प्रभारी SP1 श्री तापस रंजन महांती और महाप्रबंधक प्रभारी SP3 श्री सुभाष पटोदिया ने 35 ठेका श्रमिकों को 13 फरवरी 2024 को BF5 सम्मेलन कक्ष में प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर महाप्रबंधक HRD श्री H पति और HRD ब्लास्ट फर्नेस 5 SP1 एवं SP3 के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। प्रारंभ में प्रबंधक HRD सुश्री विनीता तिर्की ने सभा का स्वागत किया। कनिष्ठ अधिकारी श्री आलोक बेहरा ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। वरिष्ठ प्रबंधक ब्लास्ट फर्नेस श्री आदित्य राउत राय ने कार्यक्रम का संचालन किया। उल्लेखनीय है कि इन सभी ठेका कर्मियों को डोमेन कौशल के साथ साथ सॉफ्ट स्किल में भी प्रशिक्षित किया गया। कोर्स के दौरान उन्हें उद्यमिता संबंधी टिप्स दिए गए। मूल्यांकन के बाद उन सभी को प्रमाणित कर दिया गया है। प्रमाणन का मुख्य उद्देश्य देश के पहले से मौजूद कार्यबल की दक्षताओं को मानकीकृत राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे यानी NSQF के अनुरूप बनाना है। सेल राउरकेला स्टील प्लांट RSP के इस्पात सिनर्जी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का 14वां संस्करण 14 फरवरी 2024 को इस्पात स्टेडियम में प्रारंभ हुआ। RSP के कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री SR सूर्यवंशी ने टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री सोमनाथ त्रिपाठी, कार्यपालक निदेशक MNHS डॉ. BK होता, कार्यपालक निदेशक खान श्री आलोक वर्मा, कार्यपालक निदेशक वित्त एवं लेखा श्री AK बिहुरिया, कई मुख्य महाप्रबंधक एवं प्लांट के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए श्री सूर्यवंशी ने प्रत्येक प्रतिभागी को शुभकामनाएं दी और सभी को टूर्नामेंट के दौरान स्वस्थ खेल और टीम भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यपालक निदेशक वर्क्स ने ऐसे आयोजनों के महत्व पर प्रकाश डाला जो लोगों को एक स्थान पर लाते हैं और तालमेल को मजबूत करते हैं। इससे पहले श्री सूर्यवंशी ने क्रीड़ा ध्वज फहराया और टूर्नामेंट के उद्घाटन की औपचारिक घोषणा की। 14वें संस्करण में 17 टीमें मैदान में हैं और टूर्नामेंट 1 ओवर 15 ओवर के साथ नॉकआउट प्रारूप में खेली जाएगी। फाइनल 22 फरवरी को खेला जाएगा। पहला मैच RMHP और SMS 1 टीमों के बीच खेला गया और टीम RMHP ने 6 विकेट से मैच जीत लिया। उल्लेखनीय है कि इस्पात सिनर्जी कप क्रिकेट टूर्नामेंट एक अंतर विभागीय क्रिकेट टूर्नामेंट है जो कर्मचारियों के बीच एकजुटता और टीम भावना को बढ़ाने के लिए कर्मचारी सहभागिता पहल के रूप में RSP द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है। बसंत पंचमी के अवसर पर इस्पात नगरी के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के साथ साथ अन्य संगठनों में भी हर्षोल्लास के साथ सरस्वती पूजा मनाई गई। दीपिका महिला संगति की अध्यक्षता श्रीमती सोमा देव भौमिक, कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री SR सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री सोमनाथ त्रिपाठी, कार्यपालक निदेशक MNHS डॉ. BK होता, कार्यपालक निदेशक खान श्री आलोक वर्मा, कार्यपालक निदेशक वित्त एवं लेखा श्री AK बिहुरिया, TMS की सभी उपाध्यक्षाएं डॉ. सुष्मिता दास, श्रीमती प्रभाती मिश्र, श्रीमती नम्रता वर्मा ने पूजा समारोह का परिदर्शन किया और दीपिका इस्पात शिक्षा सदन सेक्टर 18 में देवी को पुष्पांजलि अर्पित की। बाद में कार्यपालक निदेशक वर्ष ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 20, इस्पात विद्या मंदिर सेक्टर 19 और इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 22 में पूजा की। इस्पात नगरी के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में भी सरस्वती पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
उल्लेखनीय है कि देवी सरस्वती को ज्ञान, कला, संगीत और रचनात्मकता के अन्य सभी रूपों की देवी माना जाता है। इस दिन छात्र किताबों, कॉपियों और कलमों की भी पूजा करते हैं, जबकि संगीतकार अपने वाद्य यंत्रों की पूजा करते हैं और चित्रकार अपने पेंट, ब्रश और रंगों की पूजा करते हैं। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।